श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं बहनों का, हमारे किसान भाई बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्र ने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा। छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे, ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथियों, ये निश्चित रूप से
ऐतिहासिक है। ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर है। अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी। ये दिखाता है कि जब सुशासन की बात आती है तो देश सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और एनडीए पर भरोसा करता है। साथियों, एक और बात है जो आपको और खुश कर देगी। महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं और बिहार में भी एनडीए को 3 बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है और 60 साल के बाद आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया। ये तो है ही है। ये जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर विश्वास है और इस विश्वास को बनाए रखने में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। लगातार तीसरी बार स्थिरता को चुनना ये महाराष्ट्र के लोगों की सूझबूझ को दिखाता है। हां, बीच में जैसा भी नड्डा जी ने विस्तार से कहा था, कुछ लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है और उस पाप की सजा मौका मिलते ही दे दी है। साथियों, महाराष्ट्र इस देश के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधार बनेगा। साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी एसटी ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है।
महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेब है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। आदिवासी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया, ओबीसी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया, मेरे दलित भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया, समाज के हर वर्ग ने भाजपा एनडीए को वोट दिया। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उस पूरे इकोसिस्टम की सोच पर करारा प्रहार है जो समाज को बांटने का एजेंडा चला रहे थे। साथियों, महाराष्ट्र ने एनडीए को इसलिए भी प्रचंड जनादेश दिया है क्योंकि हम विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर इतनी विभूतियां जन्मी है, बीजेपी और मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य पुरुष है। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज हमारी प्रेरणा है। पात्र वीक फेस्टिवल सेल 15,000 पर्यंत संगे संगे कैशबैक तापुनी सहज किस्ती बिना सुध और जीरो डाउन पेमेंट रे केवल पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स रे सबुठ भलो प्राइस पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स।